जबरदस्त तो पुकारा तब फूलन सेना जिंदाबाद जिंदाबाद फूलन सेना जिंदाबाद जिंदाबाद चौकीदार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद चौकीदार संघ जिंदाबाद डॉक्टर संजीवन बिन जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर संजीवन बिन जिंदाबाद 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 अखिलेश प्रजापति जिंदाबाद 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 अखिलेश प्रजापति जिंदाबाद 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 मुनि व्यास जिंदाबाद 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 ब्रजेश यादव जिंदाबाद 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 देवी अमर है अमर है अमर है अंबेडकर साहब अमर है अमर है अंग्रेजता जिंदाबाद 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 संजीवन सिंह जिंदाबाद। ये चौकीदारों की मांग को लेकर के आए हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जो है कहते कि हम चौकीदार हैं और जो हमारे असली चौकीदार हैं उनकी खबर ही नहीं ले रहे हैं और ये खुद चौकीदार बन जा रहे हैं। अब जैसा कि बिहार सरकार जो है चौकीदारों की जो है मानदेय 27,000 रुपये दे रही है और अस्थाई नियुक्त कर दिया और हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों को जो है जो चौकीदार हैं उनको मात्र 1500 रुपये में झेला रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं कि हम तो गरीबों के जो है मसीहा हैं और उन्होंने कहा कि हम सारे गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए भिजवा देंगे लेकिन आज तक जो हमारे गरीब भाई 15 लाख का इंतज़ार करते रहें लेकिन आज तक कुछ हमारे जो है प्रधानमंत्री महोदय जी कुछ नहीं किए गरीबों के लिए। क्या मांगे हैं मूल मूल मांगे हमारी जो है इस समय जो है चौकीदार हैं उनकी अस्थाई नियुक्ति और उनका मानदेय बढ़ना चाहिए और अस्थाई नियुक्ति उनकी होनी चाहिए और समय से उनकी पगार होनी चाहिए और जो मर गए हैं बेचारे चौकीदार उनके आश्रितों को नौकरी दिया जाए उनकी जगह उनकी नौकरी लगाई जाए और जो बुढ़े हो गए हैं जो चौकीदार बुढ़े हो गए हैं बेचारे उनकी जगह उनके किसी परिवार को लगाया जाए। ऐसी तमाम ज्ञापन आज हम जो दिए हैं DM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिए हैं डॉक्टर संजीवन बिंद फूलन सेना के प्रदेश संयोजक।